दोस्तों, औद्योगिक राज्य गुजरात में पिछले कई दशकों में कई ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जो कि दुनिया के टॉप उद्योगपतियों और धनी व्यक्तियों की सूची में आते हैं। गुजरात, जो कि अपने सांस्कृतिक, व्यापारिक गतिविधियों और खूबसूरत जगहों के लिए प्रसिद्ध है, इन उद्योगपतियों का घर है। यहाँ से निकले बिजनेसमैन पूरे दुनिया में भारत का सिक्का जमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं गुजरात के 10 सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 10, पंकज रमन भाई पटेल। दोस्तों, पंकज रमन भाई पटेल एक अरबपति गुजराती बिजनेसमैन है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के अध्यक्ष हैं। पंकज पटेल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की है। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस और लॉ में बीए करने के बाद कैडिला हेल्थ केयर में शामिल हो गए थे, जिसकी स्थापना उनके पिता ने 1952 में विटामिन बनाने के लिए किया था। पंकज रमन भाई पटेल जाइडस अस्पताल के अध्यक्ष भी हैं, जो गुजरात में अस्पतालों की एक बड़ी चेन है। नंबर 9, करसन भाई पटेल। दोस्तों, उत्तरी गुजरात के एक किसान परिवार में जन्मे करसन भाई ने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और लैब टेक्नीशियन के रूप में काम किया। उन्होंने पहले लाल भाई समूह के न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में और फिर राज्य सरकार के भू विज्ञान और खनन विभाग में भी काम किया। 1969 में करसन भाई ने अपने घर के पीछे बने और पैक किए गए डिटर्जेंट पाउडर को बेचना शुरू किया। ये ऑफिस के बाद का बिजनेस था और सिंगल व्यक्ति की कंपनी थी। इस काम में उन्हें खूब कामयाबी मिली। करसन भाई ने अपनी बेटी के नाम पर अपने डिटर्जेंट साबुन निर्मा की ब्रांडिंग की। 3 साल के बाद करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस किया। करसन भाई ने अहमदाबाद के एक उपनगर में एक छोटी वर्कशॉप में दुकान स्थापित की। निर्मा ब्रांड ने जल्द ही खुद को गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित कर लिया। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद में निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जो कि गुजरात में एक प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। देखते ही देखते करसन भाई पटेल देश के अमीर हस्तियों में शामिल हो गए। नंबर 8, दिलीप संघवी। दोस्तों, दिलीप संघवी कोलकाता में बसे एक जैन परिवार से हैं। उनका जन्म गुजरात के छोटे से शहर अमरेली में हुआ है। संघवी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उन्होंने अपना बचपन और कॉलेज जीवन अपने माता पिता के साथ कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में बिताया है। दिलीप संघवी ने अपने बिजनेस में अपने पिता की मदद करके शुरुआत की, जो कोलकाता में दवाओं, मुख्य रूप से जेनरिक दवाओं के थोक डीलरशिप का काम करते थे। इस काम के दौरान ही उन्होंने दूसरों के बने प्रोडक्ट्स को बेचने के बजाय खुद की दवाई बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने वेंचर का नाम सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रखा था। दिलीप संघवी ने मुंबई से कुछ ही दूरी पर गुजरात के अपने मूल राज्य में वापी में स्थित यूनिट में एक मनोरोग दवा का उत्पादन किया। संघवी की मेहनत और एनर्जी की बदौलत व्यापार काफी जल्दी उठ गया और 1997 तक सन फार्मा एक अमेरिकी कंपनी काराको फार्मा का अधिग्रहण करने में भी कामयाब हो गई। नंबर 7, रजनीकांत देवदास श्रॉफ। दोस्तों, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, जिन्हें रज्जू श्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बिजनेसमैन है और अरबपति हैं, जो यूपीएल लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2020 में उन्हें $1.5 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ भारत में 93वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। श्रॉफ 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र उद्योगपति हैं। उन्हें भारत का फसल संरक्षण राजा माना जाता है और उनका जन्म कच्छ गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1969 में मुंबई में यूपीएल लिमिटेड की स्थापना करके भारत में लाल फॉस्फोरस निर्माण का बीड़ा उठाया। वो मुंबई विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं और उन्हें फोर्ब्स इंडियाज टाइकून ऑफ टुमारो 2018 में भी लिस्ट किया गया था। नंबर 6, सुधीर मेहता और समीर मेहता। दोस्तों, सुधीर मेहता और समीर मेहता टॉरेंट ग्रुप के चीफ हैं। इनको अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टॉरेंट फार्मास्यूटिकल से मिलता है, जिसके वैल्यूएशन $3.1 बिलियन है। 63 साल पुरानी कंपनी की स्थापना कर उनके दिवंगत पिता उत्तम भाई नथालाल मेहता ने की थी, जो कि स्विस फार्मा दिग्गज सैंडोज के सेल्समैन थे।
उनकी टॉरेंट पावर उनके गृह राज्य गुजरात और दो अन्य राज्यों में 3.28 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों को बिजली प्रोवाइड करती है। जुलाई 2021 में ग्रुप के टॉरेंट गैस ने घोषणा की कि वे सीएनजी स्टेशनों के निर्माण के लिए 5 वर्षों में $1.3 बिलियन का निवेश करेगी। समीर के बेटे अमन को जुलाई 2022 में टॉरेंट फार्मा के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि सुधीर के बेटे वरुण को 1 महीने के बाद टॉरेंट पावर के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नंबर 5, भद्रेश शाह। दोस्तों, भद्रेश शाह ने अहमदाबाद शहर में एक प्रमुख मेटलर्जिकल कंपनी AIA इंजीनियरिंग की स्थापना और संचालन किया। भद्रेश शाह ने 1978 में एक छोटी फाउंड्री शुरू की और इसे $392 मिलियन की कंपनी में तब्दील कर दिया। AIA सीमेंट, खनन और बिजली उद्योगों के लिए उच्च क्रोमियम ग्राइंडिंग पार्ट्स का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। भद्रेश शाह प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियर है। आज AIA हाई क्रोम कास्टिंग का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भद्रेश शाह के पास कंपनी में लगभग 58.5% शेयर है। नंबर 4, उदय कोटक। दोस्तों, उदय सुरेश कोटक एक भारतीय अरबपति बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। 1980 के दशक की शुरुआत में जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी, कोटक ने एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को नकारते हुए अपने दम पर कुछ शुरू करने का फैसला किया। अगले कुछ सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विसेज के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। बिलों में छूट, स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, कार फाइनेंस, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड में एक प्रमुख उपस्थिति स्थापित की। 22 मार्च 2003 को कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत के कॉरपोरेट इतिहास की पहली कंपनी बन गई। कोटक का पालन पोषण एक उच्च मध्यम वर्ग के गुजराती ज्वाइंट फैमिली में हुआ था, जिसमें 60 लोग एक ही छत के नीचे एक आम रसोई शेयर करते थे। इनका परिवार मूल रूप से कंबाइंड ट्रेडिंग में था। नंबर 3, सैम पित्रोदा। दोस्तों, सत्यन गंगाराम पित्रोदा को सैम पित्रोदा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय आविष्कारक, टेलीकॉम इंजीनियर और उद्यमी है, जिनका उड़ीसा के तितलागढ़ में एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ था। इन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के कंप्यूटर और आईटी क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, धीरू भाई अंबानी। दोस्तों, गुजरात के व्यापारियों की बात हो और धीरू भाई अंबानी का नाम ना लिया जाए तो व्यापार की बात करना ही बेईमानी होगी। धीरज लाल हीरा चंद अंबानी, जिन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। अंबानी ने 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक कर दिया और 2002 में उनके मृत्यु के बाद उनके संपत्ति $2.9 बिलियन थी। 2016 में उन्हें मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बाकी अंबानी परिवार आज भी भारत के सियासत से लेकर गुजरात में किस लेवल का वर्चस्व रखता है, ये तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। नंबर 1, गौतम अडानी। दोस्तों, अडानी ये नाम इन दिनों भारतीय उद्योग जगत का सबसे बड़ा नाम है। गौतम शांतिलाल अडानी एक भारतीय अरबपति उद्योगपति हैं। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक है, जो अहमदाबाद स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है और भारत में पोर्ट्स के डेवलपमेंट और संचालन संभालते हैं। अडानी अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से उनकी पत्नी प्रीति अडानी करती हैं। नवंबर 2022 तक फोर्ब्स के मुताबिक $138.1 बिलियन और ब्लूमबर्ग के मुताबिक $133 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गुजरात के 10 सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में बताया है, जिनकी संपत्ति अरबों में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।